सो हे गाइस, आज का कुछ ऐसा प्लान है कि आज संडे है और मॉर्निंग राइड पे निकले हैं अपने ग्रुप के साथ। तो अपने ग्रुप में सब ये लोग हैं, शुभम भी आए अपने ड्यूक के साथ, एक आरसी है और यहाँ अपनी बाइक रही R15, एक और ड्यूक है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम लोग डिसाइड किए कि मॉर्निंग राइड पे निकलेंगे। तो हम तो घर से सुबह 7 बजे निकले थे और अभी 8 बज रहा है। तो अभी हम लोग का प्लान ऐसा है कि अभी हम लोग जाएंगे पतरातू वैली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अभी हम लोग यहाँ पे जेवियर कॉलेज के पास हैं। तो और सुबह हम अभी अपना चैन लू भी किया है तुरंत, हम भी अपना रेडी है सब कुछ। तो आगे जैसा भी होगा सब दिखाएंगे। तो अभी हमारे ग्रुप को शुभम लीड कर रहा है। सुनना, सही रोड से लेके चलना। तो वही पतरातू ही जाना है ना। और निकलते, हाँ चलो आओ। तो अब हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया है। और ये आगे जा रहा है एक KTM, और सबसे फर्स्ट में शुभम का KTM, जो कि वही लीड कर रहा है हम लोग को। और यहाँ पे रेड सिग्नल हुआ हुआ है। यहाँ अभी हम लोग रुके हुए हैं रेड सिग्नल पे। आज मेरा ये फर्स्ट टाइम है संडे राइड पे। इससे पहले ये लोग जाता था पर हम नहीं जा पाते थे क्योंकि फ्री नहीं रह पाते थे, बट आज डिसाइड किया कि चलो चलते हैं संडे राइड पे, तो इसलिए आज निकले हैं। सबसे फर्स्ट में शुभम लेट कर रहा है, तो देखते कैसे हम लोग निकलेंगे और किधर से जाएंगे। और ये दोनों ड्यूक साथ में है और मेरे पीछे आरसी है हम, और ये सिग्नल ग्रीन हो गया पहुँचते। हाँ क्या जी, क्या जी? नहीं नहीं, तो ये हमसे पूछ रहा था कि सिग्नल तोड़ दिए क्या, मतलब वहाँ पे रेड सिग्नल था तो मतलब एक ही साइन दिखा रहा था वो ग्रीन सिग्नल, तो इसे लगा कि सिग्नल हम लोग तोड़ दिए। और अभी हम लोग कांके में हैं। और इधर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मतलब कि बाइक नहीं चलाया जा रहा है एकदम, इतना ठंड लग रहा है। जबकि पूरा ग्लव्स पहने हुए हैं तो भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है।
और इधर का मौसम वैसे भी ठंडा रहता ही है, और अभी तो हम लोग इतना मॉर्निंग में निकले हैं तो ठंड लगेगा ही, और अभी तो पतरातु तरफ और ज़्यादा ठंड रहेगा, पर कोई नहीं। और सुबह हम अपने बाइक को नॉर्मल ही चला रहा है, ज़्यादा हाइपर राइडिंग नहीं कर रहा है वो, और ये पूरा लीन करते हुए। तो अब यहाँ से खींचते थोड़ा गाड़ी को, और ये आरसी है, मे बी आरसी 390 है। और ये शुभम निकल गया, शुभम का चैन बहुत ही नॉइज़ कर रहा है, शायद उसका चैन इस पॉकेट ख़राब हो गया है, वो जब राइड स्टार्ट हो रहा था तो वो वहीं पे ही लूप कर लिया था, फिर भी उसके चैन से बहुत नॉइज़ आ रहा है। और ये सब यहाँ लीन करते हुए, फुल लीन चल रहा है यहाँ तो। अभी हम नया नया खिलाड़ी है इसीलिए अभी कर नहीं पा रहे, तो चलो पकड़ते हैं वो लोग को। ये गाड़ी सब जा रहा है अपना पूरा, शायद इसमें पेट्रोल या डीजल होगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं, और ये सुबह हम लीड करते हुए अपने ग्रुप को। अभी पतरातु में हम लोग एंटर करने वाले हैं, वो साइनेज बोर्ड दिख ही रहा होगा, पतरातु 17 किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ से हमारा हम लोग का ग्रुप का लीन करना स्टार्ट। और यहाँ पे अभी हम लोग साइड में रुकते हैं। चलो तुम गाड़ी चला। तो स्पीड में नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और थोड़ा सा रेस्ट मतलब एक दो मिनट का ब्रेक लिए थे। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और आगे की ओर चलेंगे, रुकेंगे कहीं पे और दिखाएंगे आपको सीन। और देख लीजिए यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है पूरा। हम लोग
कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का व्यू सारा। तो ये जो है ये RC 200 है, हमको लगा था कि ये 390 है क्योंकि इसमें जो ये साइलेंसर लगा हुआ है इसके वजह से, बट इस भाई से पूछे तो वो बताया कि 200 है। तो निकलते अब यहाँ से हम लोग और आगे फिर रुकेंगे कहीं पे दिखाएंगे। और वहाँ खड़ी है अपनी V3। चलो निकलते हैं यहाँ से और आगे रुकेंगे, आपको दिखाएंगे और आगे का व्यू एंजॉय करिए। तो अभी हम लोग वैली में ही है और सब आगे की ओर निकल रहा है। कुत्ते से तो भाई कोई चांस ही नहीं है कब गाड़ी के आगे आ जाए। अभी तो खैर बच गए, कंट्रोल कर लिए तो बच गए, इसलिए कभी भी आगे डॉगी दिखे तो रुक जाए करना, पता नहीं कब वो गाड़ी के अंदर घुस जाए। यही डर रहता है रोड पे कि गाड़ी चलाते हुए कभी सामने डॉगी नहीं आ जाए। अभी जानता है शुभम, अभी कुत्ता घुस जाता अंदर, अभी नहीं था अभी घुस जाता गाड़ी के अंदर। अबे हम देखे लब देख, ओ भाई आगे आ गया, अब तुरंत ब्रेक मारे एकदम, हट भी नहीं रहा था। शुभम बताया कि आगे है, धीरे करने पर हम ध्यान नहीं दे पाए इसलिए, बट केयरफुली चलाना है क्योंकि ये रोड थोड़ा सा अलग टाइप का रोड है, इसलिए आराम से राइड करना है और सेफ राइड करना है। फिर आगे एक डॉगी, ये डॉगी का क्या होगा भाई, साइड हो जा, गाड़ी सब आते रहता है। सो तो यहाँ पर अभी हम लोग इसलिए रुके क्योंकि अभी हमारे ग्रुप का एक राइडर पीछे ही छूट गया है, सो उसका अभी वेट कर रहे हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो उधर ही रुक गया, आता है वो फिर चलेंगे आगे। सिनेमैटिक कैसा कैसा आया और वो आ गया, बहुत सही लग रहा है देखने में। और ये रोड पूरा टर्निंग होके जाता है तो ऐसा दिखता है पूरा ये व्यू। इस बार देखो पूरा घाटी साफ है, पूरा क्लीन है, वरना पूरा यहाँ पे गंदा रहता था ना, थोड़ा बहुत है पर उतना चलता है वो तो फिर क्लीन हो जाएगा। सो यही पूरा रास्ता जो है ये टर्निंग लेता है। और यहाँ पे सारा बाइक खड़ा है, अपना V3 KTM RC 200 Duke 250 जो कि शुभम का है, और ये Duke 250 एक और Duke 250 जो कि इस भाई का है, और यहाँ पे NS 200 जो कि उधर उस भाई का है, वो ब्लॉग जो कर रहा है। मतलब ऑल रांची में जब डिस्ट्रिक्टिंग हुआ था तो फर्स्ट
सेकंड में इसी का दोस्त एक ब्लैक पैंथर नाम से है। और चलिए आपको कुछ दिखाते हैं, वो उसका वो कुछ मोड्स किया हुआ है, दिखा दे कि क्या क्या डैमेज होता है। ये जो स्ट्रेचेस है ना कुछ ऐसा, ये मोड्स किया हुआ है ब्लैक पैंथर का, पूरा स्टिकर किया हुआ है, ये दिख रहा है ना मार्बल ब्लैक पैंथर, अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर ये तो इंडिकेटर टाइप में लगाया हुआ है, और ये रिंग लाइट है, यहाँ पे भी स्टिकर लगाया हुआ है। सो सही लग रहा है देखने में, पूरी बाइक को देखे तो ओवरऑल अच्छा है, ब्लैक पैंथर का थीम है ये। और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे, फिर आगे की स्टॉप है वहाँ पे ही रुकेंगे।